हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे एक और नए कंसेप्ट में। तो गाइज, आज का कंसेप्ट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड कंसेप्ट लेकर आया हूँ बल्ब के साथ। अगर आप लोग भी ऐसा कंसेप्ट बनाते तो कन्फर्म है कि आपका भी पोस्ट वायरल होगा और आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत सारा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आएंगे। जो कि देख लीजिए मैं कितना हार्ड एसूथ किया हूँ। और बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड देख लीजिए कितना हार्ड बनाया हूँ। दो कलर का बैकग्राउंड, एक तो ये कुछ ब्लैक टाइप का और एक ये स्काई ब्लू टाइप का। जो कि आज के इस वीडियो में सेम टू सेम आपको ऐसा एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। और एक बात आपको पता है कि ये कंसेप्ट ना तो यूट्यूब पे है ना तो इंस्टाग्राम पे है। तो देख लीजिए हमारा फोटो पहले कैसा था और अब कितना हार्ड हो चुका है। और आपको मैं गारंटी के साथ 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी। आई एम मीनाक्षी वक्त चौधरी के। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बिना एडिटिंग वाला फोटो ले लेना है और इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग को शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो आप लोग इसको डायरेक्ट एड टू एल आर पर शेयर कर दीजिएगा और आपको एड टू एल आर को ओपन कर लेना है। चलिए हम एड टू एल आर को ओपन यानी कि लाइटरूम को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको ऑल फोटो पे जाना है और आपको अपने फोटो पे क्लिक कर देना है, जो भी फोटो आप लोग बना रहे थे। फिर देखिए सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है और देखिए इतना सारा आप लोग को ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोजर का, तो आपको इसको +40 कर देना है। फिर मिलेगा आप लोगों को कंट्रेस्ट का, तो इसको माइनस आपको 80 या फिर 82 कर देना है। फिर आपको मिलेगा हाईलाइट का, तो हाईलाइट को पूरा आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको शेडो मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, तो शेडो को हमको पूरा हाई, व्हाइट को भी पूरा लुक कर देना है। फिर ब्लैक वाले पार्ट को कम से कम 80 या फिर 80+ कर देना है। इतना सेटिंग आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए आपको इधर जाना है कलर पे, और आप लोग कलर पे आने के बाद देखिए इतना सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और मिक्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको इतना सारा कलर दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेड वाले को कुछ नहीं करना है, आपको दो नंबर पर चले जाना है। और दो नंबर पर जाने के बाद आपको जो सिचुएशन है इसको -45 आप लोग कर दीजिए, ठीक है। 45 या फिर 40 आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नीचे वाला लुमिनेंस है इसको आप लोग को -90+ कर देना है। इतना आप लोग कर दीजिएगा, ऊपर वाले को आप लोग को कुछ नहीं करना है। फिर आपको येलो वाले पार्ट पर आना है और देखिए हुई को पूरा लो, इसको पूरा लो, और इसको आप लोग +20, 26, 30 कर सकते हैं, ठीक है। इतना सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपको आना है ग्रीन वाले पे, ठीक है। ग्रीन वाले पे आना है और इसको तीनों को -low, -low, -low कर देना है। फिर देखिए आपको ग्रीन वाले इस वाले पार्ट पे जाना है, ग्रीन वाले का जो बाद में पार्ट है इस पे जाएंगे। और इस पे आने के बाद बस सिचुएशन को आपको माइनस इतना कर देना है, ठीक है। -35 की है। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे चले आना है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले हुई को -20 या -19 कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा आप लोग को सिचुएशन, तो इसको पूरा हाई आपको कर देना है। फिर लुमिनेंस को भी आपको कम से कम इतना 70 या 72% कर देंगे। फिर आपको देखिए इतना सेटिंग तो सारा हमारा हो चुका है। देखिए बैकग्राउंड कितना मस्त बिफोर एंड आफ्टर फेस कितना मस्त वाइट हो चुका है। फिर आपको डन करना है यहाँ से और आपको आना है इफेक्ट पे। और आपको इफेक्ट पे आने के बाद देखिए क्लैरिटी को आपको +15, 16 जितना हो सके उतना आप लोगों को कर देना है। हम 16 करते हैं। फिर नीचे देखिए आपको क्या करना है, जो विगनेट है इसको -24 या -20 कर देना है। इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल पे जाना है और शार्पनिंग को हाई कर देना है। देखिए फोटो हमारा कितना मस्त हाई HD बिफोर एंड आफ्टर, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। देखिए आप लोग को इतना काम करने के बाद फोटो को आपको यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेना है। चलिए फोटो को सेव कर लेते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए फोटो हमारा सेव हो चुका है। फिर आप लोग क्या करना है, जो एडोब फोटोशॉप फिक्स एप्लीकेशन होता है तो इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको फ़ोन में नहीं होगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन मत कीजिएगा, आप लोग इससे नेक्स्ट वाले पार्ट को देखिएगा। तो उसके बाद हम अपना फोटो ले लेंगे एडोब लाइटरूम वाले। और इसको लेने के बाद आपको नीचे आना है लिक्विफाई वाले पे और आपको वॉक पे जाना है। और आपको क्या करना है, अपने हेयर को इस तरह देखिए ऊपर की तरफ खींच देना है, ठीक है, यानी कि सेट करना है हेयर को। देखिए आपको पता है कि हेयर जब हमारा सेट हो जाता है तो फोटो बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है, यानी जो हमारा फोटो उसमें 4 चांद लग जाता है। जो कि देख लीजिए आपको अच्छी तरह से अपने हेयर को सेटअप कर लेना है, जिस तरह मैं सेट कर रहा हूँ। और उसमें देखिए फोटो हमारा कितना लाजवाब अभी लगेगा सेट करने के बाद। देखिए बिफोर एंड आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा करके, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त हमारा फोटो लग रहा है। तो आप लोग को भी इतना काम कर देना है और सही पे क्लिक कर देंगे हम लोग। और फिर हमको क्या करना है, देखिए ये सही प्रोसेसिंग चल रहा है। फिर हमको इस पे आना है, गैलरी पे क्लिक
कर देना है। देखिए इतना काम तो आप लोग को इजीली कर लेना है, जो कि मैं बहुत ही आने से आप लोग को बता रहा हूँ हर चीज़ समझा समझा कर। देखिए पब्लिश यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है, फिर आप लोग को क्या करना है, गैलरी को ओपन कर लेना है। चलिए हम गैलरी को ओपन कर लिए हैं और आपको एल्बम पे जाना है और जो फोटो हमारा सेव हुआ था उस फोटो को आपको ले लेना है। देखिए अभी फोटो आएगा फर्स्ट में, देखिए यहाँ पे आ चुका है, देखिए कितना मस्त लग रहा है फोटो हमारा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको जाएंगे ले चलेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। चलिए अब फोटो रूम को ओपन कर लेते हैं और देखिए फोटो रूम को आपको ओपन कर लेना है और ऊपर आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। फिर हमको स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर क्लिक करना है। देखिए अभी हम भी फिलहाल में अपडेट नहीं किए हैं, जो कि आज ही करेंगे। फिर उसके बाद हमको अपना फोटो दिखाई देगा, देखिए कभी कोई टाइमिंग लगता है कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम अपने फ़ोटो को ले लेंगे, देखिए इस वाला फ़ोटो को आपको ले लेना है। देखिए कुछ स्कैनिंग करेगा और बैकग्राउंड हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए स्कैनिंग करने के बाद इतना सारा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नीचे आना है और ब्लर वाले पॉइंट पर चले जाना है और आपको देखिए अपने शरीर पे इस तरह क्लिक करना है। देखिए इस तरह, देखिए हम अपने शरीर पे क्लिक करेंगे, अभी जो नेट मेरा स्लो है तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखिए इतना सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपने शरीर पे क्लिक करना है और इसको आपको क्या करना है, नीचे खींच देना है। फिर आपको अपने बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक कर देना है, देखिए इस तरह हो जाएगा। फिर आपको बैक वाले पे क्लिक कर देना है, फिर आपको बैकग्राउंड पे जाना है और आपको नीचे जाना है, ब्लर पे जाना है। फिर आपको इसको क्या करना है, ब्लर वाले पॉइंट को कुछ इतना हाई कर देना है। देखिए इतना सेटिंग करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग पिक्सआर्ट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पिक्सआर्ट में इसको आप लोग शेयर कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए हमको पिक्सआर्ट में आने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे फोटो रूम का आइकन आया हुआ है, तो हमको इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे और आपको ध्यान से देखना है और बिना ब्लर वाला फोटो था उसको हम लोग ले लेंगे और आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपको इसको पूरा जूमिंग करके बैठा देना है 4x4 के साइज में। फिर आपको इरेज पे जाना है और इनिवेट कर देना है और आपको फोटो रूम पे एक बार ब्रश को चला देना है, देखिए ये कितना मस्त हट चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सही पे क्लिक करके सही पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको मैं दो PNG दे दूंगा, दोनों PNG को ले लेना है। चलिए हम दोनों PNG को ले लेते हैं, कहाँ पे हम रखे हैं। तो देखिए हम दोनों PNG को ले लिए हैं, फिर हमको ऐड वाले पे क्लिक कर देना है और आपको देखिए बिलियन वाले को क्या करना है, हमको इधर जाना है और इसको ब्लेड में जाकर स्किन करके इसको हमको देखिए यहाँ पे इस तरह कुछ रोटेट करके यहाँ पे इतना पर लगा देना है। फिर आपको इस वाले PNG को लेना है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लेड पे जाएंगे और इसको भी स्किन करेंगे और इसको कुछ इतना पर लगाने के बाद इरेज पे जाना है। फिर आपको इरेज वाले पार्ट को ज़्यादा करके इस तरह फेस का इफेक्ट हम लोग हटा लेंगे हाथ हूथ का। देखिए इतना काम करने के बाद आपको सही पे क्लिक करके सही पे क्लिक कर देना है। तो फिर देखिए आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और गाइजर आपको इधर जाना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आर्टिक्स का, हमको इस पे आ जाना है। फिर आपको सबसे लास्ट में जाना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फेटल का, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे क्लिक कर देंगे। फिर इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे जाना है और इसको 85 रहने देना है और नीचे इधर जाना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, तो आपको इसको ले लेना है। फिर आप क्या कीजिएगा, इरेज पे जाइएगा और आपको अपने हाथ का इफेक्ट इस तरह हटा लीजिएगा, फिर आपको अपने फेस का इफेक्ट इस तरह हटा लीजिएगा। फिर देखिए अपना फेस हो गया, गर्दन हो गया और हाथ हो गया, इसके इफेक्ट को आप लोग हटा लेना है। देखिए इस तरह कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप लोग आसानी से इसको हटा लीजिएगा। फिर आप लोग अपने हेयर को भी इफेक्ट को हटा लीजिएगा। देखिए इतना काम करने के बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त हो चुका है। फिर आपको देख लीजिए इसको आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं इसको कुछ इतना पर रख देता हूँ। फिर आपको सही वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक काम करना है, जाना है कहाँ पे, इधर स्टिकर वाले ऑप्शन पे और आपको सर्च पे जाना है और आपको सर्च करना है क्या, लाइट PNG। देखिए आपको लाइट, देखिए लाइट और PNG को सर्च कर देना है। फिर सर्च पे क्लिक कर दें। फिर देखिए आपको इस वाले को लेना है PNG को और आपको इसको क्या करना है, ब्लेड पे जाकर स्क्रीन कर देंगे और इसको अपने बॉल में इस तरह लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है, इतना पे लगाने के बाद आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसको कुछ इस साइड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसको एक बार और डुप्लीकेट करके इसको कुछ हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे। देखिए आप लोग को इतना काम कर लेना, ओपेसिटी को आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फोटो के ऐसे सेव कर लेना है और फिर जाना है आपको ड्रॉ वाले टूल्स पे और फिर आपको 3 डॉट पे जाना है और सेव इमेज कर लेना है। और उसमें देखिए आप कौन सा स्टेप करने वाला है, चलिए चलते हैं गैलरी में और फिर आपको बताते हैं। तो देखिए इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को डायरेक्ट आप लोग को ले चलना है
स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो हमको चलिए इसको शेयर कर देते हैं स्नैपसीड में। तो देखिए आपको स्नैपसीड में आने के बाद देखिए यहाँ पे फेस पे देख लीजिए आप लोग ध्यान से, देखिए यहाँ पे कम लाइट है, यहाँ पे ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे भी कम लाइट है और यहाँ पे कम लाइट है। यानी कि हमको क्या करना है, जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे आपको लाइटिंग दे रहा है। तो लाइट देने के लिए आप जाएंगे टूल्स पे और आपको जाना है सिलेक्टिव पे। फिर मान लीजिए आपको यहाँ पर लाइटिंग देना है तो इस तरह करेंगे, मार्क लगाएंगे और ब्राइटनेस को हाई कर देंगे सिचुएशन को लो। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे ब्राइटनेस को हाई। फिर उसी प्रकार इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क लगाकर ब्राइटनेस को हाई कर लेंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, हाथ में भी इस तरह लाइट को ज़्यादा कर लेना है और इस वाले हाथ में भी लाइट को ज़्यादा कर लेना है। यानी कि आपको लगे कि यहाँ पे लाइट कम है तो वहाँ पे आप लोग को लाइटिंग वाइटिंग दे दे रहा है अच्छे तरह से, ताकि फोटो आपका मस्त लगे। तो देख लीजिए मैं किस तरह लाइटिंग दे रहा हूँ और आपको भी उसी प्रकार लाइटिंग दे रहा है। देख लीजिए मैं किस तरह लाइटिंग दे रहा हूँ। तो देख लीजिए आपको अच्छे से लाइटिंग देना है ताकि फोटो आपका ख़राब ना लगे। और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लाइटिंग देने के लिए, यानी कि मेहनत नहीं, यानी कि मैं ज़्यादा इसमें टाइम देता हूँ ताकि लाइटिंग अच्छा मिला पाऊँ। तो देखिए आपको लाइटिंग वाइटिंग देने के बाद देख लीजिए मैं और अच्छे से लाइटिंग दे देता हूँ ताकि फोटो हमारा मस्त लगे। देख लीजिए इस तरह, देख लीजिए हमको लाइटिंग देने के बाद क्या करना है, सीधे फोटो को आपको शेयर कर देना है रेमनी एप्लीकेशन में। और आपको पता है रेमनी से क्या होता है, फोटो फुल HD होता है। तो आप लोग को रेमनी में शेयर कर दीजिएगा फोटो को और उसके बाद देखिए आप लोग के फोन में दो ऑप्शन आएगा, तो आपको एनहांस पे क्लिक कर देना है। कुछ लोडिंग लगा उसके बाद देखिए, तो उसके बाद देखिए एक ऐड आएगा, आप लोग ऐड को देख लेंगे और कट वाले पे क्लिक कर देंगे। देखिए उसके बाद फोटो हमारा कितना पहले क्वालिटी लो था अब कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। तो फिर क्या करेंगे, सेव पे जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए एक और ऐड आएगा, चले वो स्किप कर लेते हैं फटाफट से। फिर देखिए आपको ऐड चल जाने के बाद कट पे क्लिक करना है और फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो देखिए सेव हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को डायरेक्ट आप लोग को ऑटोडेस्क स्क्रीनबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए अब इसको शेयर कर देते हैं फटाक से। तो देखिए हमको ऑटोडेस्क में आने के बाद आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको ऊपर जाना है, इस वाले ब्रश को लेना है, सेटिंग कुछ इतना रखना है। फिर आपको मैं काफ़ी सारे वीडियो में बताया हूँ कि स्मूथ किस तरह किया जाता है, जो कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर आप लोग वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, किस तरह ब्रश चला रहा हूँ, उस तरह आपको भी ब्रश को चलाना है। देखिए साइज को ज़्यादा छोटा करके फिर आपको ब्रश को चलाना है, तभी फोटो आपका मस्त बनेगा। तो चलिए वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो ला बना हुआ एंड तब तक आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। तो गाइस देखिए हम फोटो कितना मस्त स्मूथ हो चुका है, तो आप लोग भी आराम से स्मूथ मस्त कर लीजिएगा। फिर स्मूथ होने के बाद आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, फोटो को आप लोग को शेयर कर देना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और बस हमको एक काम करना है, जिससे कि फोटो पे हमारा यानी कि बहुत गजब का लाइटिंग वेटिंग लग जाएगा। चलिए इसको शेयर कर देते हैं स्नैपसीड में और आपको बताते हैं कि किस तरह लाइटिंग वेटिंग को देना है। तो देखिए हमको स्नैपसीड में आने के बाद आपको इस पे जाना है और सिलेक्टिव पे चले जाना है। फिर आपको हाथ में मार्क लगाकर देखिए इसको हाई कर देना है, यानी कि हाथ ब्लैक था, फिर कुछ यहाँ पे आपको मार्क लगाकर इसको हाई कर देना है। फिर यानी कि फेस पर जहाँ पे भी आप लोग को अंधेरा पार्ट दिखाई दे वहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को हाई कर देना है। देखिए मैं किस तरह हाई कर रहा हूँ, उस तरह आपको भी हाई कर देना है। जहाँ पर ब्लैक पार्ट होगा वहीं पर आप लोग को हाई करना है। देख लीजिए किस तरह हाई कर रहा हूँ और आप लोग भी इतना हाई कर लीजिएगा। फिर आपको एक काम करना है, जाना है इस पर और आपको पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। फिर आपको देखिए क्या करना है, आपको देखिए इस तरह देखिए इसको हाई कर देना है, इसको हाई करके इसको भी हाई कर देना है। देखिए फोटो उसके बाद कितना मस्त लगेगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आपको एक बार और सिलेक्टिव पे आना है, देखिए यहाँ पे कुछ कम लाइट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क लगाकर इसको हाई करके इसको लुक कर देंगे।
देख कितना मस्त हमारा फोटो लग रहा है। तो गैज यार उसके बाद आप लोग और भी अच्छे तरह से लाइटिंग वाइटिंग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बस मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग को इस तरह कुछ लाइटिंग फेस पे दे देना है, उसके बाद देखिए फोटो हमारा कितना गजब का दिखाई दे रहा हूँ दे रहा है देख लीजिए। तो गैज यार आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड आया होगा तो आप लोग प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर।